वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। पहले सीएम योगी ने अपने बयान से बांग्लादेश को चौंकाया और अब सीएम योगी ने बांग्लादेश के कट्टर पंथियों के होश उड़ा दिए हैं। बांग्लादेश के हालात वैसे भी ठीक नहीं चल रहे, विरोध प्रदर्शन की आग में लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन अगर बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं पर अत्याचार पर अपनी आंखें नहीं खोली तो बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि योगी राज में इंसाफ किया जाता है फिर चाहे वो अपना राज्य हो या फिर पड़ोसी, इलाज तगड़ा होता है। बांग्लादेश को लेकर अब एक ऐसी ही खबर देखने को मिल रही है। दरअसल बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट ने वहां उत्तर प्रदेश से किया जाने वाला निर्यात बाधित कर दिया गया है। बांग्लादेश में चावल, कृषि उत्पाद, उपकरण, चमड़े के सामान और चिपकने वाले पदार्थ, इंजीनियरिंग सामान और ई रिक्शा सहित 140 से ज्यादा उत्पादों का निर्यात यूपी से किया जाता है। इस रुकावट से बांग्लादेश को भी काफी नुकसान हो सकता है, वहां खाने और अन्य जरूरी चीजों की कमी हो सकती है। अब बांग्लादेश में फैली उथल पुथल के कारण गंभीर रुकावट भी पैदा हो रही है। खबरों के मुताबिक लगभग 700 करोड़ का भुगतान रुका हुआ है और बड़ी संख्या में ऑर्डर से भरे हुए ट्रक वर्तमान में सीमा पर फंसे हुए हैं। इस मुश्किल में यूपी की व्यापारी गतिविधियों को खासा धक्का लगा है। उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार ये है। बता दें कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के यूपी चैप्टर के मुताबिक यूपी और बांग्लादेश के बीच व्यापार 2500 करोड़ रुपए से अधिक है। यूपी से बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में चावल, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान, चिपकने वाला टेप और कई सामान है, यानी कि सोडा, ई रिक्शा और कपड़ा भी शामिल है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को 6000 से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जिसमें यूपी से सीमित मात्रा में कपड़े, मसाले और खाद्य तेल भी शामिल हैं। जब ये सामान बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बांग्लादेश को तो नुकसान होगा ही, इसके साथ ही भारत को भी करोड़ों का भुगतान नहीं हो पाएगा। वही सीएम योगी ने अभी हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा बयान दिया था। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा है और फिर से वही बोला है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें, क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो वो आपके हितेशी कैसे हो सकते हैं। याद रखना जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है, उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वो हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना
ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वाण जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। फिलहाल योगी का बांग्लादेश को लेकर लिया गया फैसला सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के लिए बता दें कि योगी ने साफ तौर पर यह कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि ये मानवता का मुद्दा है, वोट बैंक का नहीं। आपका क्या कहना है योगी के इस फैसले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।